बैंगलोर के नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में कैंसर के इलाज पर एक रिसर्च हो रही है। ये रिसर्च है तुलसी के पौधे से कैंसर के इलाज की। वैज्ञानिकों की टीम को कितनी कामयाबी मिली, देखिए इस रिपोर्ट में। आने वाले परिणाम सामने आए हैं। पहली बार किए गए इस तरह के प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया कि ये पौधा कई तरह के सक्रिय जैव यौगिकों का निर्माण करता है। तुलसी जो कोई बहुत सारे डिजीज के लिए यूज करते हैं और टेंपल्स में भी यूज करते हैं, ये तो सबको पता है, ताकि 3000 ईयर से पता है सबको। अब हम क्या किए कि उसका डीएनए फर्स्ट ड्राफ्ट जीनोम सीक्वेंसिंग कर दिए और जो भी कृष्णा तुलसी का सीक्वेंसिंग हुआ है, जिससे हमको पता लगा अभी कि कौन सा जीन्स है जिससे ये ज्वर सब ठीक हो जाता है। करीब 2 साल पहले 5 किस्म के तुलसी के पौधों को लेकर रिसर्च शुरू हुई थी। रिसर्च के बाद जैव वैज्ञानिकों की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि श्याम तुलसी में सबसे ज्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी के पौधे के जीनोम की डिकोडिंग से पता चला है कि इस पौधे में बैक्टीरिया रोधी कई गुण मौजूद हैं। करीब 5 किस्म के तुलसी के पौधों को लेकर ये वैज्ञानिक शोध शुरू हुआ, लेकिन बारीकी से रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों की टीम ने ये पाया कि जो कृष्ण तुलसी है, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं अभी, इस कृष्ण तुलसी में ही सबसे ज्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं, तो रिसर्च कृष्ण तुलसी पर ही फोकस हो गया। करीब 2 साल तक चले रिसर्च के बाद ये पता चला है कि तुलसी में करीब 40 ऐसे रसायन पाए गए हैं जिनके इस्तेमाल से जटिल बीमारी का इलाज संभव है। वैज्ञानिकों ने तुलसी के पौधे की एक प्रजाति ओटेन्यूई फोरम का पहला जीनोम भी तैयार कर लिया है।